अश्वनी उपाध्याय जी, इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे इस यूसीसी को लेकर संदेह पैदा हो रहे हैं, जो तहसीन जी और आसिम वकार साहब उठा रहे थे। कह रहे थे धर्म से नहीं जोड़ रहे, लेकिन बाकी जगहों पर जो मान्यताएं चलती आ रही हैं, क्या उन अपवादों को भी खत्म किया जाएगा इस यूसीसी में? देखिए, यूसीसी कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दुनिया में अनोखा कुछ होने जा रहा है। भारत में ऑलरेडी, अमेरिका में है, सिंगापुर में है, फ्रांस में है, जापान में है, चीन में है, और इन जिन देशों का मैं नाम ले रहा हूं वहां पे सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भारत में यूसीसी आ रहा है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है। आखिर फ्रांस में मुस्लिम्स रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, आपके यूके में भी रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं, वहां तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, वहां तो कोई पर्सनल लॉ नहीं है, सबको यूसीसी में चलना है। बात यह है प्राची जी, यूसीसी आखिर होगा क्या? क्या किसी की पूजा पद्धति या किसी की इबादत का तरीका बदलेगा? नहीं। जिसके सात फेरे होते हैं, सात फेरे होंगे, जिसका नमाज, जिसका अपना निकाहनामा पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ा जाएगा, जो काजी निकाहनामा पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, वो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। यूसीसी आने से केवल इतना हो जाएगा कि शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, वो बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की हो या पारसी की हो या ईसाई की हो, शादी की मिनिमम एज समान हो जाएगी। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। अगर बाझपन के आधार पे डिवोर्स होगा तो सबका होगा, नपुंसकता के आधार पे डिवोर्स होगा सबका होगा, या कोढ़ होने पे डिवोर्स होगा तो सबका होगा। जो भी ग्राउंड्स होंगे सबके लिए कॉमन हो जाएंगे। यूसीसी आने से शादी का रजिस्ट्रेशन, निकाह का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। इसमें कौन सी आफत आ जाएगी अगर सबको मैंडेटरी हो जाएगा अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना? यूसीसी आएगा तो गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिल जाएगा। क्यों नहीं मुस्लिम बेटियों को मेंटेनेंस का राइट मिलना चाहिए? क्यों नहीं उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए? ठीक। यूसीसी आएगा, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा। यूसीसी आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। यूसीसी आएगा तो माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा। मेरा ये मानना है यूसीसी से जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को होने वाला है। यूसीसी आए या ना आए, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं से मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यूसीसी का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बेटियों को है, उसके बाद हमारी क्रिश्चियन बेटियों को है, उसके बाद हमारी पारसी बेटियों को है। आप जब ये कह रहे हैं अश्वनी उपाध्याय जी, तो देखिए खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं तहसीन पूनावाला जी। उनके मन में कोई सवाल है, उनका सवाल ले लेती हूँ, फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा। बोलिए मैं अश्विनी भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अक्सर सुप्रीम कोर्ट में जाते हूँ, मुलाकात भी होती है। अश्विनी भाई के पेटिशन के अंदर शायद या अन्य पेटिशन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली डिपार्टमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ये आंकड़े में आपको पढ़कर बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि सबसे अधिक ना कम उम्र की बच्ची, 18 साल के नीचे की बच्ची, एक्चुअली 16 साल के नीचे की बच्ची, 80% बच्चों की शादी हिंदू बच्चों की होती, सबसे ज्यादा पॉलीगमी हिंदुओं में। ये सरकारी आंकड़ा ऑन एफिडेविट पार्लियामेंट में, तो सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, पहली बात। चलो छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कस्टम्स, मेघालय के अंदर जो राइट मिलता है बच्चियों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनके साथ आप अलायंस के अंदर हो, सांगमा ग्रुप जो होता है, वहां मैट्रियार्कल सोसाइटी, वहां घर जो माँ बाप का घर होता है बेटी को मिलता है, बेटे को नहीं मिलता, बेटी के पति को मिलता है। बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप्स है जहां पर सेकंड लड़की के पति को मिलता है, सेकंड लड़की के शौहर को मिलता है, वो मैट्रियार्कल है, वो पति जो है लड़की के घर पे जाता है। आप किन किन चीजों को चेंज करेंगे, आप कैसे इन चीजों को चेंज करेंगे? थर्ड चीज में सर, मैं आपको बड़े से पूछ रहा हूँ, क्या गोवा में यूसीसी लागू होने से जो हिंदू आदमी शादी कर सकता है दूसरी बार, या मैत्री करा बैन होगा? लेकिन आपने यूएसए, यूके, फ्रांस, देखिए इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, अगर हिंदुओं में नाबालिग बच्चियों की शादी होती है तो वो भी खत्म होगा। ये बात अश्वनी उपाध्याय जी भी बोल रहे हैं, ये बात गौरव भाटिया जी भी बोल रहे हैं, इसमें कोई धर्म नहीं देखा जाएगा। रही बात गोवा, देखिए मेरे साथ एक और मेहमान है, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सिंह जी, मुझे उनके पास जाना है, वजाहत कासमी जी के पास जाना है। मैं चाहता था ये लाइन आए कि इससे कानून से खत्म होगा, कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नाबालिग बच्ची की शादी करना ऑलरेडी इलीगल है।